विजिट किया है, सबसे पहले बताइए क्या क्या देखा आपने और कैसा एक्सपीरियंस रहा आज? तो मुंबई आर्ट फेयर और उनके प्रेसिडेंट साथ में ही बैठे हैं हमारे राजेंद्र, जो इतना अच्छा काम करें राजेंद्र जी पूरा सोसाइटी को लेकर, और मुंबई जैसी जगह में जहाँ पे लोगों को रहने के लिए जो जगह है मिलना बहुत मुश्किल है, तो आर्ट के लिए जगह और भी मुश्किल होती है। डिस्प्ले करने के लिए जो स्पेसेस चाहिए, क्योंकि आई थिंक रियल एस्टेट वैल्यूज़ इतनी हाई हैं मुंबई में कि कहीं भी एक अच्छी जगह जहाँ पे अपने आर्ट को हम प्रदर्शित कर सकते हैं और लोग आकर उसे खरीदें, देखें, सराहें, आर्टिस्ट को एक अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी एक प्रोत्साहन मिले, इनकरेजमेंट मिले, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आई लव व्हाट दे आर डूइंग, आई थिंक दे आर क्रिएटिंग अ ग्रेट सर्विस टू आर्टिस्ट एंड रियली एनकरेजिंग सो मेनी यंग आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि लोग आएँ, उनका आर्ट देखें। आज अगर मैं जब अंदर जा रहा था तो आई सॉ इतनी सारी क्राउड, इतने सारे लोग आए थे, यंगस्टर्स भी आए थे देखने के लिए, आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। व्हाट आई ऑल्सो लाइक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग एट द मुंबई आर्ट फेयर राजेंद्र जी इज दे आर मेकिंग आर्ट नॉट ओनली फॉर पीपल लाइक मी हु आर कलेक्टर्स, दे आर क्यूरेटिंग आर्ट नॉट ओनली फॉर पीपल लाइक मी हु आर कलेक्टर्स विद एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट लाइक गौतम हियर, बट ऑल्सो यंग आर्टिस्ट एंड पीपल, यू नो, यंग कपल्स हु आर ऑन अ बजट आर कमिंग एंड बीइंग एबल टू बाय, यू नो, द स्टार्टर आर्ट टू, you know, 15,000 rupees, 20,000 rupees for a nice beautiful painting and put it up and their wall looks so much more better. So I like the fact that they are making art more accessible and not making it more elitist, and that's a very, very cool thing. So congratulations on that. Thank you. And I specifically enjoyed Gautam's work a lot. Gautam Patole is here. He's a very, very fine artist in terms of charcoal. I love the way he creates expressions. जो आंखों में एक छलक है, एक जो चाकुल पेंटिंग वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज एक रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, राइट? वाइट इज द डेफिनेशन एंड बीच में ब्लैक भरना पड़ता है। व्हाट इज द लिटिल आई नो अबाउट आर्ट, आई थिंक इट्स अ फाइन आर्ट, इट्स ब्यूटिफुल, आई लव दिस वर्क, आई लव व्हाट ही इज डन इन टर्म्स ऑफ ब्लेंडिंग इट टू मेक इट लुक लाइक पेंटिंग्स एट टाइम्स ब्रिंग इन कलर्स, so it's been a fantastic experience. Vivek sir, aap jab under painting dekh rahe the to kafi baariki se dekh rahe the aur pooch rahe the, interact bhi kar rahe the painters se, kaun se painting aapko sabse zyada favorite hai? Well, main isliye pooch raha tha aur interact kar raha tha ki as an artist bhalai meri haathon mein kala nahi hai, lekin kalakar to main bhi hu, aur mujhe lagta hai ki jab bhi kalakar ke sath engage karte hain, unki kala ke bare mein kuch baatein poochte hain, tareef karte hain, encouragement dete hain, to kalakar ko usse zyada किसी चीज़ की भूख नहीं होती, खुशी मिलती है बहुत। मुझे कुछ पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी, कुछ यंग, पहली बार जैसे मैंने एक स्कल्प्टर को देखा, उनका काम देखा, सुनावने ना सुनावने, तो उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग गौतम, ऑफ कोर्स इज एस्टैब्लिश्ड, मैं खासकर एक्चुअली गौतम का काम देखने आया था जब मुझे नंदिनी ने बताया कि ही इज़ डिस्प्लेइंग सम ऑफ हिज न्यू सीरीज, सो आई केम स्पेसिफिकली टू सी हिज वर्क, so I loved some of the paintings and I've already told him internally which ones I'm going to buy. अगर youngsters को काफी कम platform मिलता है अपनी कला को सबके सामने रखने के लिए, आपको लगता है कि ये सबसे important platform हो सकता है, जैसे सर जो है काफी youngsters को भी मौका दे रहे हैं अपनी art को सबके सामने? मुझे लगता है ये सबसे अच्छी बात है बॉम्बे आर्ट फेयर की, बिकॉज established artists के पास में बहुत सारे platforms होते हैं, और आज एक यंग बडिंग आर्टिस्ट है, उसको लगता है कि एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट लाइक गौतम पटोले में मेरा काम उनके काम की बिल्कुल बगल में लगेगा और साथ में लगेगा, तो उनको भी एक पुश मिलती है। मेरे जैसे लोग आते हैं गौतम का आर्ट देखने, लेकिन कुछ नए आर्टिस्ट को डिस्कवर करके जाते हैं कि दिस आर्टिस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक दिस वर्क, तो आई थिंक उससे उनका वो फ़ायदा भी होता है, एंड दिस इज़ अमेजिंग, बिकॉज आप नॉर्मली खुद का अगर एग्जीबिशन करना चाहें, मेरी सिस्टर खुद एक आर्टिस्ट हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी डिफिकल्ट, गैलरी बुक करो, लोगों को इन्वाइट करो, फुटफॉल आना चाहिए, नंबर ऑफ डेट्स लिमिटेड हैं, बट इस तरह से जिस तरह से ये कर रहे हैं बॉम्बे आर्ट फेयर में, इट बिकम्स वेरी एक्सेसिबल, चीप टू डिस्प्ले आर्ट एंड द पोटेंशियल टू सेल एंड क्रिएट कस्टमर बेस एंड क्रिएट पीपल हु अप्रिशिएट द आर्ट बिकम्स अ लॉट ईजी। इसी के साथ में कहना कि आपको नहीं लगता है कि कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से लोग कहीं ना कहीं हाथ की कला को भूलते जा रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है रिवर्स होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेहतर चलते जाएंगे और उसके अच्छे फ़ायदे भी हैं, उतना हम कोशिश करेंगे कि हमें रियलिटी से भी जुड़ने का एक मौका मिले। आज क्योंकि सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है,
अब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जिनको डिजिटल ओवरलोड होता है वो चाहते हैं रियल देखना, रियल फील करना, टेक्सचर को हाथ लगाना. आज आप घर पे बैठकर टीवी पर पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, इंटरनेट पे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज देखिए कितने लोग हॉलीडे पैकेजेस पे जाते हैं. बिकॉज सीइंग समथिंग एंड एक्सपीरियंसिंग समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट. डिजिटल यू कैन स्टिल सी समथिंग, बट दिस आर्ट यू कैन एक्सपीरियंस. इट्स एन एक्सपीरियंस. राजेंद्र जी, योर थॉट्स. सी, मुंबई आर्ट फेयर जैसा सर ने कहा कि बेसिक कंसेप्ट तो हमारा वही है कि टू डेमोक्रेटाइज आर्ट viewing and buying. So that happens at two levels. Once, you know, urban artists and rural artists, you bring them together and, you know, try to promote them in the mainstream art. Now in Mumbai and Delhi, Bangalore, you know, cities like this, there are very limited public art spaces. Like if you go to Jahangir Art Gallery to participate, you apply today, you get the gallery after 5 years. There is a 5 years waiting list. Wow. So it's simply impossible. Plus budding artists, what happen? When they pass out from the college, there used to be a lot of chaos in the mind. What to do, this to, you know, this phase lasts for 3-4 years. Then during these 3-5 years, emerging artists struggles a lot and then maybe, you know, refused many platforms. Give up. So this is where we come into picture, and then we put up these art fairs in Mumbai, Delhi and Bangalore to promote artists in these main metro cities where, you know, whole lot of art buyers, art collectors, even interior designers, architect, you know. Now today there are, as sir said, there are whole lot of, you know, real estate projects which are coming up, and then everybody like to create that you know, inspiring ambience around their living space. Absolutely. And they own mind, you know, spending few thousand or even couple of lakh rupees to make that ambience. So that's what is happening from last 10 years. So Mumbai Art Fair, especially independent artists, this is our second year, but we started this mission of democratizing art viewing and buying in 2011, and this journey is grown, you know, from Mumbai to Delhi, Delhi to Bangalore. Now almost we cover North India, we cover South India, and Mumbai, of course, we do two editions, one now and then bigger one in Jan. So the effort is to unite them, bring them together, because art field is not organized. The way, you know, cinema and other art forms are having infrastructure. So art lacks infrastructure. We are trying to come in and then fill in that gap. See, when artists of his caliber comes here and inspire these budding artists, they feel inspired, and that's a great thing. We would love, you know, like to thank him profusely to coming here and inspiring these people, emerging people. जी ऑफ कोर्स. आई थिंक हमारे सिनेमा जगत की जो लेजेंड है, गॉड ब्लेस हिम विद अ लॉन्गर लाइफ एंड इवन मोर वर्क, आई थिंक हर एक्टर के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड और मैटर ऑफ ऑनर है. आई एम वेरी लकी कि मैंने उनके साथ एक से ज़्यादा फिल्में की हैं, बट इवन टू बी इन अ फिल्म विद हिम वंस इज़ अ माइल स्टोन, एक मील का पत्थर है अपने जर्नी में. तो ही वॉज विशिंग the one and only legendary Bachchan saab great health, and it's lovely to see him doing so much work, continuing to inspire all of us. Sir, PM Modi ke biopic ko kafi saraha gaya, logon ne accept kiya, hum bol sakte hain aapko iske baad mein ek aur biopic aa rahi hai, kya kehna chahenge uske baad mein? Bas really really excited about Abhinandan. I think the story of Balakot, the story of the Indian Air Force, we're very very proud of the Indian Air Force. I think the idea is एवरी नाउ एंड देन, जैसे अमेरिका में जब टॉप गन आती है तो एक पूरा जनरेशन इंस्पायर होता है अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ देख कर. ये एक ऐसा मौका है, मुझे लगता है एक जिम्मेदारी है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना फिनोमिनली, वी शुड बी सो प्राउड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. उस कहानी को, उस इंस्पिरेशन को लाखों बच्चों तक पहुँचाना है, ताकि दिल से जब वो हमारे फोर्सेज के, हमारे यूनिफॉर्म में किसी जवान को, किसी पायलट को, किसी एयरमैन को देखें, तो हर बच्चा अपने आप दिल से उसे सल्यूट करे, यही मकसद. आपने कितना रिसर्च किया अभी तक? रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन, बहुत रिसर्च चल रहा है, अभी भी चल रहा है. थैंक यू. जय. You know, I think it's really, really important in life to have an awareness of
things that are beyond the ordinary. We get so trapped in our normal lives, we forget to appreciate things of beauty, of joy, of nature. And art brings so much into our life and our world. Every artist has their own style, right? So sometimes you see an abstract work of art, you see something very picturesque, you see portraits, you see a very interesting interpretation of something they've seen and decided to put onto a canvas or sculpt or create with their own materials that they felt will do justice to that desire to create. And it's very personal. Art is very, very personal. You have to wake up in the morning and want to look at it every day of your life. You have to resonate with it. I have amazing art in my home. When I earned my first sum of money ever, my first paycheck, and I wanted to buy myself a music system and I wanted to buy myself a television, my mother said no. She took me to Kemmold Art Gallery and she made me buy a work of art with my first money. I was only 18 years of age at that time and I didn't identify with art. And I said, you know, why should I just waste my money on this? And my mom said, Pooja, you will learn to invest your money. And that is exactly what art became to me, an investment of time, of energy, of money. It became a labor of love. I have today, that work of art which I bought at Jahangir Art Gallery at Kemmold was Amba Das's painting at that point of time. And it was only 17,000 rupees. It was a lot in those days, 17,000 rupees. And today it's worth a fortune. I have Jaideep Marotra, I have Hussain, I have Gautam. My God, I have about 6 to 7 works of Gautam in my home. It is incredible how much energy Gautam brings to a canvas. I have his works. I bid. In fact, the first time I bought Gautam's work of art was at an auction for charity, where there was an active bidding going on, and I sort of bid and bid and outbid that person because I loved that work of art so much. It was a painting titled Joy, and it was just the most beautiful interpretation of a woman just throwing her arms and legs up in complete joy and surrender in that moment. And the way he translated that in charcoal was stunning. And I just had to have it. So that's how art has to be for you. You have to really want to take it home with you. And an appreciation for art is something that should be inculcated in people. And it's so amazing to have a platform like this, where so many amazing, talented artists come under one roof. And it's very important for people to come and see. You don't have to buy, but at least come and see. You never know what you resonate with and what you'll end up taking home with you at the end of the day. And it's something that I will always encourage because I know how my journey with art began and where it is today. And it becomes a member of your family. That's what every art piece is to me. Ma'am, lastly, Alia is entering into Bollywood. I have to come to Alia, my sweetheart. Sorry? Anything you would like to say? Well, all I have to say is, of course, I'm a very proud mother today because my son is studying in university in America at USC, and my daughter Alia is entering films. And Alia has put in the quotient of work that I never thought anyone could ever invest that much of time, energy, and passion and dedication into her craft. For years, I've seen my daughter slog it out from morning to night doing her classes. And to see the fruits of her labor come to life, to see her on her sets, enjoying the profession, enjoying her roles and characters, to see the number of people who are approaching her constantly to do films, to see the kind of feedback and the kind of appreciation that the people she works with give her. It's really heartwarming as a parent, and I'm so proud of her because it's actually all her doing. Sir, anything you'd like to say? Well, I would love, you know, I would like her. She came here. She herself is such an inspiring artist. She's not only artist but writer. I'm a very great fan of her writing. Which we follow everywhere, and she has answers for each and every query of relationship, life, and everything. Fantastic Sunday, all of them. Yeah. Acha, now she came here for this young budding artist, emerging artist, and it's really, really great inspiration for them to have her presence. Mumbai Art Fair, you know, was started as with a mission of democratizing art, weaving and art buying to certain extent, so that, you know, these budding artists who find it very difficult to exhibit in the metro cities like Mumbai, Delhi, and Bangalore. So we put up this kind of big events there, again affordable events, very, very affordable, this thing, because it's a power of unity.
all of them come together, put up the artworks. And in Mumbai and Delhi, as I said earlier, there are a whole lot of real estate projects which are going on. So everybody nowadays want to have some inspiring ambience around their living spaces. Right. So people in metro cities doesn't mind spending, you know, 2,000 rupees or even a couple of lakh rupees to make their space inspiring. So these are the people who are, you know, trying to enter the mainstream art, and we are just a medium inviting such people so that they get inspired. So I would like to thank her for coming here for these people. ब्यूटीफुल फेस्टिवल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और इसे ग्रेट वर्क, ग्रेट जॉब बाय द वेरियस आर्टिस्ट, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है, आर्ट वर्क है, बहुत अच्छा लगता है. और मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई फील म्यूजिक एंड पेंटिंग्स दे आर बोथ आर रिलेटेड. जब हम गाना गाते हैं वो भी पेंटिंग ही करते हैं, खास करके जो क्लासिकल म्यूज़िक है. क्लासिकल म्यूज़िक में कुछ नोट्स दिया जाता है जी, ये नोट्स है, ये राग है, आपको गाना है और बाकी कुछ नहीं है. तो हम गाते हैं कुछ भी, हम पेंटिंग के माफी के करते हैं. सो दिस इज म्यूजिक इज ऑल्सो लाइक ए पेंटिंग एंड आई रियली लाइक पेंटिंग्स. दैट्स इट. वेल, मुंबई आर्ट फेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेन स्ट्रीम आर्ट 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 फील्ड में जो इमर्जिंग आर्टिस्ट है, बडिंग आर्टिस्ट है, रिसेंटली पास आउट है, उनको जो तकलीफ होती है वो थोड़ी लेवल तक उन्होंने मेट्रो सिटीज़ में अपनी एग्जीबिशन करने के लिए हम लोग इंस्पायर करते हैं. मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे सिटीज़ में आर्ट गैलरीज मिलना बहुत मुश्किल है. वो पिछले 10 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और एक ज़माने में जहाँ 200 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते थे, अभी एक साल भर में करीबन 850 से 900 आर्टिस्ट ये हमारे तीनों एग्जीबिशन मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में पार्टिसिपेट करते हैं. और मधुश्री इज़ कमिंग सेकेंड टाइम, सी वॉज देयर इन द लास्ट ईयर ऑल्सो. अगर ऐसे सी से वेरी नाइसली पुट अप कि ये जो है कला एक संगीत है, ध्रुव संगीत है, और मधुश्री सच अ अक्लेम्ड सिंगर हरसेल्फ. सो हर कमिंग हियर फॉर दिस आर्टिस्ट दे विल डेफिनेटली फील इंस्पायर्ड. और इसीलिए हम लोग जो है कला के जो विविध अंग है, जैसा फिल्म है, म्यूजिक है, ड्रामा है, थिएटर है, ये सारे जो कला है कहीं ना कहीं साथ में आती है. इसलिए हम लोग इन लोग को इन्वाइट करते हैं और दे ऑल्सो यू नो गिव रिस्पेक्ट ऑनर एंड कम हियर टू इंस्पायर दिस बडिंग आर्टिस्ट. आई वुड लाइक टू थैंक मधुश्री फॉर कमिंग हियर. I also like to thank you and I'm proud of you because you are giving the big platform for the artist. क्योंकि आर्ट को प्रमोट करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट, सबको मिलता नहीं है और ये जो मौका मिल रहा है इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो आई एम मनीषा सैनी, आई एम फ्रॉम अजमेर एंड हियर यू कैन लुक ऑल माई रीसेंट वर्क. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम बींग पार्टिसिपेटिंग इन मुंबई आर्ट फेयर. I have recently graduated. I did my MA in painting from University of Arts London. So I've recently graduated and this is the first platform I'm showcasing my work here in Mumbai. So I'm feeling very amazing because in my first attempt only I have received an award from the fraternity of Mumbai Art Fair. The Outstanding Artwork Award. So it's an encouragement for me to keep coming to this platform and keep showing my work to everyone. What feedback you are getting from the people who are watching your painting? So the first and foremost feedback I'm getting is that my artwork is quite different from the stalls my contemporary my fellow artists have exhibited. Although I love Indian art, but I have been studying in London for like 2-3 years, so that is how that influence has come into my paintings. So I was studying about architecture and interiors and those kind of elements in my research. So this is how this is affecting my paintings, and I'm interested into spaces, non-spaces, and how they are connecting and disconnecting with human psyche. So this is the my core idea about producing these spaces, because I would call them non-spaces. They are not something I have seen. So yeah. What is next after this? Any upcoming project you would like to share with us, or you are doing this to other cities also, or? So, like I have told you, I have recently graduated. So, I wanted to show my work what I have been doing last year,
And yes, of course, I have a next exhibition, I guess, in the Nehru Art Center only. Maybe a gallery space. I would have a gallery space here. And I also have a gallery exhibition next year at the Mumbai Art Society. So a lot of things are going on. Hope for the best. Thank you so much and all the best. हमारे लिए आए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट लोगों के लिए जो बॉम्बे में हर साल ऑर्गेनाइज होता है जो आए फॉर इन्होंने ऑर्गेनाइज उनकी टीम ने बहुत अच्छे से किया है तो हमारे लिए एक कला मेला है जो उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आर्टिस्ट को एक थोड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है तो हम लोग एक नया कुछ मेटल में हम लोग मेरा स्कल्पचर्स होता है जो स्कल्पचर्स में मैं मेटल में करता हूँ और उसको लोगों को बहुत अच्छी तरह पसंद आता है लोगों को और उसमें कुछ नया देखने मिलता है हर साल कुछ ना कुछ नए हम लोग करते रहते हैं उसमें बहुत अच्छा सब पसंद आता है सबको कुछ ना कुछ उसमें आइडियोलॉजी या उसमें मेरा थीम वगैरह वो बहुत पसंद आता है जी हाँ थैंक यू सो मच थैंक यू